स्वागत है आपका satyhindi.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और हाल में ही आम आदमी पार्टी ने हैट्रिक बनाया है और तीसरी बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई है आम आदमी पार्टी। और हमारे साथ हैं इस समय दिलीप पांडे जी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और तीमारपुर से जीत कर आए हुए MLA भी हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा दिलीप जी, मेरा जो एक पहला सवाल आपसे है कि जो पूरी जीत इस समय जो जिसका जश्न मनाया जा रहा है, उसका मेन कारण आपको क्या लग रहा है? सिर्फ काम की राजनीति ही थी या और भी बहुत सारे कारण थे? बड़ा रोचक रहा ये चुनाव, दिल्ली का चुनाव इस बार का। मतलब ईमानदारी से कहूँ तो 9-10 साल से लगभग सार्वजनिक जीवन में हूँ, उसके पहले देखता पढ़ता रहा, सियासत की समझ बनाता रहा। आज तक इतना कलुषित और दूषित कैंपेन विपक्षी पार्टी द्वारा चलाया गया हो कभी ये मुझे याद नहीं है। और लोग कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी ने बहुत गलत किया और बहुत नेगेटिव। पिछली बार भी यही था। पिछली बार भी अगर आप 2015 के भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन को याद करें और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की भाषा और बोली और कंटेंट को याद करें, तो आपको समझ में आएगा कि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की खांसी, मफलर, सैंडल, जूते, चप्पल, ड्रेसिंग सेंस, सबका मजाक उड़ाया। इस बार लेकिन उसी काली गंदी लकीर को भारतीय जनता पार्टी ने और मोटा और बड़ा किया और नीचे गए, और इतना नीचे कोई गया हो मुझे याद नहीं है। उसके उलट आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर एक नए किस्म की पॉलिटिकल डिस्कोर्स को क्रिएट किया, जहां उनकी पार्टी का मुखिया सामने आके कहता है सीना चौड़ा करके डंके की चोट पे कि दिल्ली वालों, अगर आपके लिए काम किया हो तो वोट करना, वरना वोट करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ क्या था, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के 200 से अधिक सांसद, विधायक, पता नहीं कितने मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, संतरी, सब लगे हुए हैं दिल्ली के अंदर। MCD को बीजेपी चला रही है, वो गवर्नेंस मॉडल लोग देख रहे हैं। किसी एक के अंदर हिम्मत नहीं है, दम नहीं है कि वो सामने से कहे कि MCD में बीजेपी ने काम किया हो तो हमारे कैंडिडेट को वोट देना, वरना वोट देने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक बंदा कर पाया। और ये जो काम की राजनीति हुई दिल्ली के अंदर शुरू, इसको दिल्ली की जनता ने हाथों हाथ लिया। एक नई परिभाषा गढ़ी गई राष्ट्र निर्माण की, देशभक्ति की, कि जनता की सेवा करना, लोगों के हक में काम करना, उनकी ज़िंदगी को आसान करना, महंगाई के दौर में उनके जेब में 2,000-4,000-5,000 रुपये बचाकर महंगाई से लड़ने की उनको ताकत देना, दरअसल ये सही मायने में राष्ट्र निर्माण है, देशभक्ति है। ये इबारत रची गई, गढ़ी गई और दिल्ली की जनता ने इसका दिल खोल के स्वागत किया। लेकिन जो ये दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में जब आप राजनीति करते हैं तो राजनीति में एक परसेप्शन ये भी जाता है कि फ्रीबी कल्चर का बहुत चलन होता है और लोग कहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी की जो जीत है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रीबी कल्चर, और इतनी फ्रीबीज दी कि वो विपक्ष बिल्कुल ये बात कहने लगा कि ये तो मुफ्तखोरी की जीत है। ये मुझे लगता है कि मुफ्तखोरी की जीत कहना या दिल्ली को मुफ्तखोर कहना, ये दिल्ली का जो प्रबुद्ध मतदाता वर्ग है उसका घोर अपमान है। 2014 का चुनाव, 19 का चुनाव आप याद करिए, अभी उज्ज्वला सिलेंडर के ऊपर लड़ा गया था, तो जब उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया अपना और चुनाव लड़े और जीत गए तो अच्छा अच्छा था। जब आम आदमी पार्टी लोगों की ज़िंदगी को आसान करने के लिए प्रयास कर रही है तो वो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चला जा रहा है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, आप बात को समझिए, कुछ भी फ्री नहीं है। जनता, सरकार, इन दोनों की अवधारणाओं को समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो है वो प्रॉफिट सेंटर नहीं होती, वो वेलफेयर स्टेट होता है। करना क्या होता सरकार को कि जनता जो टैक्स का पैसा देती है उस टैक्स के पैसे से जनता की सेवा करना, ये सरकार का दायित्व है। जब दिल्ली की सरकार 140 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली की माताओं बहनों की बसों के अंदर यात्रा फ्री कर रही है, वो फिजूल खर्ची नहीं है, पब्लिक की सर्विस है। वहीं उलट में बीजेपी की सरकार है गुजरात के अंदर, कांग्रेस की सरकार है राजस्थान के अंदर, यहाँ की सरकारें लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च करके अपने लिए हवाई जहाज खरीद रही हैं। जनता समझ रही है कि वो फिजूल खर्ची है, ये फिजूल खर्ची नहीं है। लेकिन जब आप आरोप लगाना, ये बेसिर पर का प्रोपेगेंडा है जो आरोप लगा रहे हैं, वो भी कभी कभी जो है, तो मतलब मसला कुल ये है कि जब वो खेलते हैं तो कहते हैं ये क्रिकेट है और हम जब खेलते हैं तो कहते हैं गिल्ली डंडा है। नहीं, लेकिन अगर आप अगर प्रैक्टिकल तौर पर अगर आप देखें तो जब भी आप फ्रीबी कल्चर देते हो तो जो रिजर्व्स हैं, जो ट्रेजरी है आपकी, उस पर कितना फर्क पड़ता है? आप उस क्या उस बर्डन को आप कैसे निकालो? आपकी बात में 100% सहमत हो जाता अगर दिल्ली का बजट घाटे का बजट होता। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, देखिए अर्थशास्त्र समझना है ना, जो एक्सपर्ट है वो उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। आप अपने घर की रसोई से अर्थशास्त्र को, इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं बड़े आसानी से। दिल्ली के अंदर सरकार बनने को जो आई 2015 में, तो हमारे पास जो बजट आया था वो लगभग 30,000 करोड़ रुपए का था, और उसके पहले बजट के बढ़ने की दर जो थी वो लगभग 1,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष थी। उस हिसाब से सरकार के आखिरी बजट में कितना इजाफा होना चाहिए था, लगभग 5,000 करोड़ रुपए 5 साल में।
30,000 का 35 हो जाता, 40 हो जाता, लेकिन जो लास्ट बजट हमने दिया वो लगभग 61,000 करोड़ रुपए का था। कैसे हुआ भाई ये 31,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मार्केट में कैसे आई? कि दिल्ली की जनता के ऊपर दिल्ली की सरकार ने 1 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स लेवी नहीं किया, इनफैक्ट टैक्स स्लैब्स को नीचे लेके आया जीएसटी के पहले, और हमने लोगों को सोशली फाइनेंशियली एम्पावर जब किया तो उनकी परचेस पावर बढ़ी और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई। तो ये जो 31,000 करोड़ रुपए का अर्थशास्त्र है ये उन लोगों को समझना चाहिए, वो समझते हैं, वो खाली प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, खाली वो बेसिर पर की बात कर रहे हैं, ब्लेम गेम खेल रहे हैं। पता उनको भी है कि ये जो इकोनॉमिक मॉडल है दिल्ली की सरकार वाला, ये जनता के फायदे का भी है और सरकार के भी फायदे का भी है। चलिए खैर, दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस की तो लोग बात कर रहे हैं, उसकी तुलना भी हो रही है गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस से, और बहुत सारी बातें इस समय हो रही हैं और जनता ने भी उसका जवाब दिया है क्योंकि आम आदमी पार्टी जीत के आई है। लेकिन अब अगर कुछ राजनीतिक चुनौतियों की हम बात करें, कुछ राजनीतिक मुद्दों की बात करें, तो अब आम आदमी पार्टी तीसरी बार जीत कर दिल्ली में आई है, लेकिन बहुत सारे अनफिनिश्ड एजेंडाज थे, जैसे कि एयर पोल्यूशन को लेकर बहुत सारा काम बचा हुआ है। आपने 2015 का जो मैनिफेस्टो था उसमें बोला कि 8 लाख जॉब्स मिलेंगी, लेकिन उतनी जॉब्स लोगों को नहीं मिल पाई, तो अभी और क्या क्या चुनौतियां हैं जिन्हें आपको टैकल करना है? बिल्कुल, देखिए जब हमने कैंपेन शुरू किया तो हमें लगा कि पहली हमारी जिम्मेदारी ये है कि बच्चा जब पास करने को होता है अपनी कक्षा तो रिपोर्ट कार्ड मिलता है स्कूल की तरफ से कि कितना हुआ। हमने पहले रिपोर्ट कार्ड 1,000 से भी ज़्यादा जगहों पर जनता के साथ संवाद स्थापित किया और बताया कि हमने क्या क्या किया, और निकल के ये आया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने अपने वायदों की किताब में लिखे एक एक वायदे को पूरा किया, लगभग पूरा किया, जो नहीं पूरे हैं वो या तो वर्क इन प्रोग्रेस है। याद है बोला गया था कि 70 वायदे हमने किए थे और 70 के 70 पूरे हो गए, लगभग वर्क इन प्रोग्रेस है, जैसे वाईफाई वाला वर्क इन प्रोग्रेस है, स्ट्रीट लाइट वाला वर्क इन प्रोग्रेस है, बट सब पे काम स्टार्ट हो गया। इसके बाद हमने अपने सेकेंड फेज ऑफ कैंपेन में बताया कि हम आगे क्या करने वाले हैं। हमने अपने मैनिफेस्टो से पहले गारंटी कार्ड दिया, हमारे बारे में भ्रम फैलाया जा रहा था कि ये जो स्कीम्स हैं वो रोल बैक कर ली जाएंगी, जितने भी बिजली की, पानी की, बसेस की, तीर्थयात्रा की स्कीम्स। हमने बताया कि भाई कोई स्कीम रोल बैक नहीं होगी जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्योंकि हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, ये पब्लिक का पैसा पब्लिक पे खर्च कर रहे हैं, लूट में, करप्शन में या हवाई जहाज खरीदने में नहीं जा रहा है। हमारा जो प्राइमरी एजेंडा था वो हमने तय किया कि भाई दिल्ली के अंदर अभी भी बहुत सारा अनफिनिश बिजनेस है, जैसा कि आपने बताया पोल्यूशन के ऊपर काम करना है, दिल्ली और खूबसूरत होनी चाहिए, दिल्ली एक्चुअली में मिनी इंडिया है, इस देश का दिल है, हिंदुस्तान के माथे की बिंदी सा दिल है, तो इसमें और मेहनत करके हमको यमुना को साफ करना है। अभी जब हमारी सरकार बनी लगभग 58% घरों में पाइप्ड वाटर जाता था, हम जब आए 93% घरों में पाइप्ड वाटर जाने लगा, लेकिन 7% लोकेशंस अभी भी ऐसी हैं दिल्ली के अंदर जहां पाइपलाइन से पानी नहीं जा रहा, उनको फुलफिल करना है। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि लोग यूरोपियन स्टैंडर्ड का जो पानी टैप से आता है, पोर्टेबल वाटर, आप यूके जाइए, यूरोप में जाइए, आप टैप खोलिए, गिलास लगाइए, पानी आएगा, पी लीजिए आप, वो लेवल का पोर्टेबल वाटर पूरी दिल्ली में सप्लाई हो, आरओ की जरूरत न पड़े, किसी भी चीज़ की जरूरत न पड़े, पानी पीने लायक हो, पूरे 100% लोकेशन पे हो, इसके ऊपर हमको काम करना है, ये हम कर रहे हैं। यमुना को पहले से बेहतर बनाना है, इसके ऊपर काम करना है। दिल्ली के ग्रीन कवर को बढ़ाना है, दिल्ली को आने वाले टाइम में, इस बार हमने बहुत प्रयास किया और काफ़ी हद तक उसमें हमको सफलता भी मिली कि जब एक पर्टिकुलर मंथ आता है, ट्राइमेस्टर आता है, पॉल्यूशन बढ़ती दिल्ली में, तो लोग परेशान हो जाते हैं, उसको और सलीके से एड्रेस करना है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो सही मायने में दिल्ली को एक इंटरनेशनल कैपिटल के रूप में एस्टैब्लिश करेंगी, और ये आने वाले समय में हम करने वाले हैं। लेकिन जहाँ आपने सफाई का जिक्र किया, सफाई अगर दिल्ली को साफ रखने की बात है, स्वच्छ रखने की बात है, कॉरपोरेशन अभी भी आपके हाथ में नहीं है, तीनों कॉरपोरेशन आर विद बीजेपी, सो टिल द टाइम द बीजेपी इज टेकिंग केयर ऑफ द कॉरपोरेशन, मुझे लगता है कि टकराव की स्थिति हमेशा बनी रहेगी आपके बीच में और बीजेपी के बीच में। उस टकराव की स्थिति को आप कैसे टैकल करेंगे और क्या गारंटी है कि बीजेपी फिर से रोड़े नहीं अटकाएगा आपके काम में? पहले के 3.5 साल जो हमारे गए, बिल्कुल उसमें बहुत टकराव हुआ, क्योंकि अपने अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब से जुलाई 2018 में क्लियर कर दिया कि ये आपके अधिकार हैं, उनके अधिकार हैं, तब से आप नोटिस कर रहे होंगे कि पिछले 1.5 साल में काम की रफ्तार, गुणवत्ता दोनों बहुत बढ़ी है, और हमारा मानना यह है कि उस सिचुएशन में, अभी एक और सर्विसेज का मैटर वैसे पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उस सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम हो गया। हमने मोहल्ला क्लिनिक जितने 3.5 साल में नहीं बनाए, उससे ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक हमने 1.5 साल में बना दिए, तो वो कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी कम हो गया है। उसके बाद
जो काम बता हम अब बता आपको ये शिकायत नहीं है कि मोदी जो केंद्र सरकार है वो आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करने देती? नहीं, अभी वो दिक्कतें काफ़ी हद तक, सर्विसेज का मैटर अभी भी पेंडिंग है, लैंड लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं आता, बिल्डिंग डिपार्टमेंट एमसीडी के पास से वहाँ लूट मचा के रखा हुआ है उन लोगों ने, और उनका किया धरा जो होगा उसकी भरपाई 2 साल बाद जब चुनाव होंगे निगम के उसमें भी हो जाएगी। दिल्ली के अंदर आप समझ चुकी है, नए चेहरे नए उड़ान के नाम पर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो नए लोग स्टैब्लिश किए सिस्टम के अंदर एमसीडी के अंदर, वो नए कलेक्शन एजेंट बन गए, जनता समझ चुकी है। उसके बगैर भी हम आप जो अभी 2 साल हैं बाकी के, उसमें हम दिल्ली के सौंदर्यीकरण पे काम करेंगे, दिल्ली के ग्रीन कवर को बढ़ाने का काम करेंगे, यमुना के अंदर एसटीपीज लगा के उनको क्लीन करने का काम करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो एमसीडी के, बीजेपी लेड एमसीडी के इंटरफेरेंस के बगैर भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। पिछले जो 1.5 साल गुजरे हैं हमारे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें एम्पावर किया और उस आधार पर हम ये कह पा रहे हैं कि वो सिचुएशन नहीं आएगी। आपने भी जिक्र किया कि लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में नहीं है क्योंकि पुलिस केंद्र सरकार के अंदर आती है, तो जो स्टेटहुड का इशू था जिसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत ज़्यादा प्रबलता से उठाया था, वो क्या स्टेटहुड इशू अब बैक सीट पर चला गया है? नहीं नहीं, आप 2015 का हमारा घोषणा पत्र उठाएंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज बनाने के लिए संघर्ष करती रहेगी। पहले तो धरना वगैरह दिखा था लेकिन अब बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने उसका रीज़न ये है कि स्टेटहुड की जो डिमांड है वो जब नेशनल इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, तब वो डिमांड रिलेवेंट है, क्योंकि स्टेटहुड का होना वो केंद्र की सरकार की सहमति और असहमति पर निर्भर करता है, ना कि राज्य की सरकार पर। वो राज्य के चुनाव का, राज्य की सरकार का मुद्दा है ही नहीं। तो आम आदमी पार्टी का मुद्दा वो अभी भी है, दिल्ली वालों का मुद्दा वो अभी भी है, वो मुद्दा फिर से उठेगा जब प्रासंगिक चुनाव आएंगे, आम आदमी पार्टी उसके लिए संघर्ष करती रहेगी। और हमारा मानना है कि दिल्ली का समग्र और संपूर्ण विकास तभी हो पाएगा जब दिल्ली पूर्ण राज्य बने, दिल्ली के अंदर जो 3 सरकारों का कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी है, ये जब एबॉलिश होगा तब दिल्ली तरीके से फ्लरिश करेगी और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सिटी बनेगी। अभी हम मुद्दे की बात कर रहे थे और शाहीन बाग जैसा मुद्दा बिल्कुल दिल्ली के चुनाव का एपिसेंटर बन गया था और इट वाज ऑल आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, और जिस तरीके का जहर उगला जिसके बारे में आपने पहले ही कहा, और जिस तरीके का एक नफरत भरा कैंपेन दिखा, लेकिन वजह क्या थी? शाहीन बाग आप लोगों ने तो बहुत क्लोजली पार्टी को देखा है और मे बी रणनीति का हिस्सा हो, शाहीन बाग में ना जाना आम आदमी पार्टी के किसी भी लीडर का, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हों चाहे केजरीवाल हों, उसका कारण क्या था? देखिए, हमने इस बिल के खिलाफ अपना स्टैंड, जो सीएनआरसी का बिल का था स्टैंड, वो हमने क्लियर कर दिया था, और क्लियर करने के साथ साथ ये भी कहा था कि ये चुनाव दिल्ली के हैं, इफ़ एट ऑल शाहीन बाग इज़ एन इशू, एवरीवन नोज दैट द लॉ एंड ऑर्डर इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय डायरेक्टली बाय होम मिनिस्टर साहब मिस्टर अमित शाह, एंड ही शुड इंटरवीन, उनको इंटरवीन करना चाहिए, उनको वहाँ जाना चाहिए। आखिर चुनाव जब तक था तब तक सांस नहीं ली, गए नहीं, आज सुनने में आ रहा है कि 2 बजे जाएंगे, नहीं जाएं, अब जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एकमात्र स्ट्रैटेजी थी दिल्ली के अंदर वोट्स को पोलराइज करने का। भाजपा चाहती थी कि शाहीन बाग का मुद्दा इतना उठे कि लोग विकास के काम को, काम की सियासत को भूल के, और मजहब की सियासत जो उनकी रही है, जो उनकी परिपाटी रही है काम करने की, तरीका जो उनका कैंपेन कर रहा है, उसके आधार पर वोट करें। दिल्ली ने उसको सिरे से खारिज किया। हालांकि मैं बताऊं आपको कि बीजेपी ने पूरी कोशिश करी इस चुनाव को पोलराइज करने की, पोलराइजेशन का इम्पैक्ट उनके कार्डर पर दिखा भी, थोड़ा बहुत पोलराइजेशन का इम्पैक्ट जो फैन सीटर है उनके ऊपर भी दिखा, लेकिन वो उनको उतनी सीटों में कन्वर्ट नहीं कर पाए जिससे उनकी सरकार बन सके। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि पहले अमित शाह नहीं गए, अमित शाह की बहुत आलोचना हुई कि वो गए ही नहीं शाहीन बाग, लेकिन शाहीन बाग मैं गई थी तो वहाँ पे लोग आम आदमी पार्टी की भी आलोचना कर रहे थे कि देखिए मुख्यमंत्री जी तो आए नहीं हमारे पास मिलने के लिए, जितनी महिलाएं थी सबको शिकायत थी कि केजरीवाल आए ही नहीं थे वहाँ पर। मैंने भी कैंपेन किया और आप जानती हैं कि वहाँ पे अमानतुल्लाह खान कितने वोट से जीते हैं, तो उनके जीतने का मतलब ये है कि किसी को शिकायत नहीं थी, क्योंकि लोग समझ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की जो चाल चल रही है वो अपने अखाड़े पे आम आदमी पार्टी को लाकर पटकना चाहती है, जबकि दिल्ली के चुनाव में शाहीन बाग मुद्दा ही नहीं था। एमसीडी के हजारों बाग पड़े हुए दिल्ली के अंदर जो कचरे से भरे हुए हैं, एमसीडी को उन बागों की चिंता नहीं है, वो हमको कहाँ खींच के लेके जाना चाहती है, शाहीन बाग लेके जाना चाहती है। तो दिल्ली की जनता समझदार है, उसने देखा कि काम की बात कौन कर रहा है और कौन ध्यान काम से कहीं और भटकाने की, ले जाने की कोशिश कर रहा है, और इस बार जनता ने तय कर लिया था बिजली पानी स्कूल अस्पताल सीसीटीवी वाईफाई मोहल्ला क्लिनिक पेंशन कच्ची कॉलोनियों के अंदर काम, ये जिसने किया हम उसके साथ हैं और उसके साथ है ये 8 तारीख को दिखा दिया है। मतलब चुनाव कितना नीचे गिरा है, आतंकवादी तक बोला गया अरविंद केजरीवाल जी को, लेकिन 8 तारीख को दिल्ली की जनता ने बता दिया कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी नहीं, दिल्ली वालों का बेटा है, उनके हक में काम करने वाला है और काम की सियासत का दिल खोल के स्वागत किया।
एक जो और क्रिटिसिज्म आ रहा है, और अगर मैं अन्ना हजारे के आंदोलन को याद करूं, तो जिस तरह से एक आम आदमी पार्टी का एक ऑब्जेक्टिव था कि वो एक थर्ड ऑल्टरनेटिव बनकर निकलेगा, एक आलोचना ये होती है कि अब थर्ड ऑल्टरनेटिव नहीं, आम आदमी पार्टी इज़ लाइक एनी अदर पार्टी, लाइक बीजेपी, लाइक कांग्रेस, जो उनका जो एक मॉडल है जो रन करने का, वो किसी अन्य पार्टी की तरह ही है। इस पर आप इस सवाल के जवाब को समझना है तो आप मल्टीपल डायमेंशन आम आदमी पार्टी के एक्सप्लोर कर लीजिए। सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और रिसेंट पॉलिटिकल कैंपेन, इन तीनों चीज़ों को देख लीजिए आप। सामाजिक रूप से आम आदमी पार्टी की एक्सेप्टेंस कितनी है, दिल्ली ने अपने जनादेश से बता दिया। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, हम बीजेपी कांग्रेस छोड़िए, हिंदुस्तान की इकलौती 100% फाइनेंशियली ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इकलौती। बीजेपी कांग्रेस के फंड्स कहाँ से आते हैं किसी को पता भी नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। और जितना पॉजिटिव कैंपेन हमने चलाया है वो बताता है कि आम आदमी पार्टी दरअसल राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आई है। और इसका प्रमाण है कि वो तमाम पार्टियाँ जो हमारी आलोचना करती थी इसी चुनाव में, हमारे घोषणा पत्र की, पॉलिसीज की आलोचना करती थी, चुनाव जब आया तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहना शुरू कर दिया कि हम भी बिजली इतना फ्री कर देंगे, पानी इतना फ्री कर देंगे। तो जो हम कहते थे कि हम राजनीति करने नहीं, बदलने आए हैं, सिखाने आए हैं, वो सिखा दिया। मध्य प्रदेश के अंदर और भी कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे मोहल्ला करने की शुरुआत हो गई, तो हम चाहते यही हैं, हमारी ख्वाहिश यही है। एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ इसका, आपसे मैंने जो सवाल किया कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की हम बात करें, तो आपके कितने सारे MLAs हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, और एक नहीं बहुत सारे हैं, मोर देन 40 आई थिंक फॉर दिस ईयर। तो उसका रीज़न क्या था कि आपने जो क्रिमिनल शीटर्स हैं उनको टिकट्स दिए, वो जीत कर आए, तो आज वो जो एक ऑनेस्ट पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं वो तो फिर आज आपके स्पेक्ट्रम में नहीं है। बिल्कुल असहमत हूँ मैं आपकी बात से। आप पिछले 5 साल के गूगल में एक डालिए, MLA अरेस्ट दिल्ली पुलिस, 27 से भी ज़्यादा विधायकों को फर्जी आरोपों में हमारे गिरफ्तार किया गया और मजबूरन उनको कोर्ट से छोड़ना पड़ा। इनफैक्ट 1 दर्जन मामले तो कम से कम उससे ज़्यादा ही होंगे ऐसे हैं जिसमें कोर्ट ने फटकार तक लगाई है। मेरे ऊपर दुनिया भर के केस चल रहे हैं, मैंने ज़िंदगी में एक चींटी भी नहीं मारी लेकिन केस लगा दिया। तो ये जो फर्जी केसेस लगाना, दिल्ली की पुलिस का काम दिल्ली की जनता की सुरक्षा होनी चाहिए, वो छुड़वा कर केंद्र की सरकार ने आम आदमी पार्टी के विधायकों, नेताओं, मंत्रियों के पीछे उनको लगा दिया। वो जो सिक्योरिटी वाला पर्पस था, सेफ्टी सिक्योरिटी वाला, लॉ एंड ऑर्डर वाला, वो तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, यहाँ भी फटकार पड़ी है। तो ये सारे पॉलिटिकल केसेस आम आदमी पार्टी के ऊपर चिपकाए गए, तोहमतें लगाई गईं, इसके बावजूद आम आदमी पार्टी केम आउट नीट एंड क्लीन एंड द वे पीपल वेलकम्ड अस, मतलब जो 2015 का प्रचंड बहुमत था उसको ऑलमोस्ट रिपीट करना, ये हिस्टोरिक है। वो तो हिस्टोरिक मैंडेट था ही, ये भी हिस्टोरिक मैंडेट है, और कॉन्सिक्यूटिवली ऐसे करना, एक के बाद एक लगातार ऐसे करना, ये दिखाता है कि वो तमाम हथकंडे जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाए आम आदमी पार्टी को, उनके विधायकों को, नेताओं को बदनाम करने के, वो सब धराशाही पड़े हुए ज़मीन पे। लेकिन जहाँ तक नागरिकता कानून का सवाल है, पूरे देश में इस समय एक माहौल बन रहा है कि लोग संविधान को पढ़ रहे हैं, प्रियम्बल को पढ़ रहे हैं, और पूरी सरकार के खिलाफ जो एक हुजूम नज़र आ रहा है सड़कों पर, लेकिन आम आदमी पार्टी का इस पर, आपने कहा कि वो रुख आपने साफ कर दिया, और ठीक है स्ट्रैटेजिकली आपने अपने आप को पोजीशन किया क्योंकि दिल्ली में इलेक्शंस थे, लेकिन अब क्योंकि आप चुनाव जीत गए हैं, क्या आप आज उन लोगों के साथ सड़कों पर उतरेंगे, आपकी पार्टी उतरेगी? आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, आम आदमी पार्टी ने बता दिया कि ये कानून देश के संविधान के खिलाफ है, सब ने बता दिया, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के सभी लोगों ने बता दिया। यानी ये सहमत है कि आम आदमी पार्टी वह विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी लेकर आगे बढ़ रही है देश में लागू करना चाहती है, उस विचारधारा की, लेकिन आप सड़क पे नहीं उतरेंगे इस कानून के। वही भाजपा यही चाहती थी, आप समझिए बात को। इस चुनाव के करीब 3 महीने पहले तक भारतीय जनता पार्टी कहीं फाइट में नहीं थी, वन साइडेड आम आदमी पार्टी 70 out of 70 जीत रही थी। फिर उनके पास ये एक एजेंडा आया और ये एक तरीका, एक टूल उनको ऐसा लगा कि जिसके बेसिस पे हम पोलराइज कर सकते हैं, और 3 हफ्ता पहले चुनाव के जिसमें वो कामयाब भी हुए, उसमें वो कामयाब भी हुए। मैंने बताया आपको, शुरू में बताया कि उन्होंने पोलराइज करने की पूरी कोशिश की, और एक लिमिट तक। किस लिमिट तक? कि जो उनका अपना कार्डर बेस बिखर गया। जैसे आपको बताऊँ, करीब 3 महीने पहले एक सर्वे आया जिसमें ये बताया गया कि जिन लोगों ने 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट बनवाई, वोट किया, उसमें से 22% लोग केजरीवाल जी को दिल्ली के अंदर पसंद कर रहे हैं। उनको लगा ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी, अपना बेस खिसक जाएगा, तो उनको कंसोलिडेट करना, प्लस 2-4-5% और जो फैन सीटर्स हैं उनको भी अपने साथ लेके आना। इतने में ही कामयाब रह पाए, लेकिन दुर्भाग्य से ये वो पर्याप्त परसेंटेज ऑफ वोट नहीं थे जो उनको सरकार बनवाने में मदद कर सके। लेकिन जो वोट असफल रहे, मैं आपके अभी पूरे सवाल का जवाब नहीं हुआ, वहाँ वो असफल रहे, पूरी कोशिश करी उन लोगों ने। और जो सड़क पर उतरने वाली बात थी, सड़क पर जिस दम हम उतरते, फिर तो आप जो देख रही हैं 62 जीते, भारतीय जनता पार्टी
मैं आपको बताऊं, झुग्गियों के अंदर नमक पानी लेके घूमते थे इनके लोग, गंगा जल लेके घूमते थे, हाथ में रखते थे, कस्में खिलवाते थे हिंदू धर्म के नाम पे, डरा के लोगों को वोट करने की बात करते थे। पूरे दिल्ली के अंदर वो चुनाव को डरा धमका के अपने हिस्से में पोलराइज करने में कामयाब हो जाते। तो और रेलिवेंसी भी देखी जाएगी ना, रेलिवेंसी भी नहीं थी उस इशू की, वो इशू अगर रेलिवेंट है लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से तो बीजेपी को उतरना चाहिए उसमें, और आज उतर रहे हैं, पहले क्यों नहीं उतरे? तो जिसको उतरना चाहिए था वो नहीं उतरा, और जिसको नहीं उतरना चाहिए था उसको उतारने की तमाम कोशिशें हुई, वो हमने नहीं करी, और जनता इससे बिल्कुल नाराज नहीं है, वरना हमको वोट नहीं देती। आपको सीट्स जरूर मिली और एक भारी जीत मिली, लेकिन वोट शेयर का क्या? वोट शेयर आज भी अगर बीजेपी के पास आप देखें तो 40% और 43% के, मैंने जस्टिफाई किया ऑलरेडी, उनका जो 33-35 के आसपास का वोट परसेंटेज था 2015 का, उसमें 4-5% का 38 के आसपास वो हुआ है, 38-39 हुआ है। तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि उन्होंने अपना वाला कंसोलिडेट कर लिया इस पोलराइजेशन की बेसिस पे, और 4-5% जो न्यूट्रल लोग हैं, जो फैन सीटर्स हैं, उनको भी अपने पास लेके आ गए, इसके बियॉन्ड नहीं जा पाए, क्योंकि इसके बियॉन्ड जो लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे, उन्होंने काम की सियासत का स्वागत किया। मतलब दिल्ली के अंदर राष्ट्र निर्माण की, देशभक्ति की एक नई इबारत गढ़ी जा रही है कि दरअसल सही मायने में दिल्ली की, देश की जनता का, इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आवाम की सेवा करना राष्ट्र निर्माण है। इस परिभाषा को लोगों ने हाथों हाथ स्वीकार किया, नहीं स्वीकार किया होता तो 62 नहीं आती, हम सिमट गए होते। अब दिल्ली में आपकी सरकार तीसरी बार बन रही है और फुल टर्म सरकार सेकेंड टाइम, अब आगे की रणनीति क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आम आदमी पार्टी के? क्योंकि आपने पंजाब में इलेक्शंस लड़े, गोवा में लड़ा, लेकिन आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी जीत नहीं मिली, और इनफैक्ट आप नहीं वहाँ पर लड़ पाए, तो क्या आप नेशनल फुटप्रिंट बनाने के लिए आम आदमी पार्टी का क्या प्लान है? देखिए, ईमानदारी से कहें तो हम बड़ी छोटी सी मामूली सी पार्टी हैं, मामूली से लोग हैं, दिल्ली बेस्ड पार्टी है, और दिल्ली की जनता ने प्रचंड जनादेश देकर स्पष्ट कर दिया कि वो चाहती है कि हम उसकी सेवा करें, तो वो हमारी आकांक्षा तो है। लेकिन पूरे देश से लोग फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, बताते हैं कि हम भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र में मोहल्ला क्लिनिक हो, वहाँ पे भी बिजली फ्री हो जाए, यूपी में भी ऐसा हो जाए, बिहार में भी हो जाए, हरियाणा में भी, सब लोग कहते हैं। हमारी आकांक्षा ये है कि जिस किस्म की स्कूल की, अस्पताल की राजनीति, मोहल्ला क्लिनिक की, लोगों के इलाज की, उनकी सेवा की राजनीति हम दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, हमारी आकांक्षा ये है कि पूरे देश के अंदर उस किस्म की सियासत हो। अब वो सियासत आम आदमी पार्टी के झंडे तले हो कि बीजेपी के झंडे तले हो कि कांग्रेस के झंडे तले हो, ये हमारे लिए बिल्कुल भी इरेलेवेंट है। आम आदमी पार्टी बनी थी खाली चुनाव लड़ने जीतने के लिए नहीं बनी थी, दिल्ली के अंदर राज करने के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए बनी थी, वो सेवा किसी भी माध्यम से हो। अब सुनने में आया कि पश्चिम बंगाल में भी होने जा रहा है बिजली फ्री, तो वहाँ कर रहे हैं, हम वेलकम करते हैं उसका। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या आपकी पार्टी ने ये सोच लिया है कि हम आगे अपने पैर नहीं पसारेंगे, सिर्फ दिल्ली में ही आम आदमी पार्टी अभी सीमित रहेगी और कंसोलिडेट करेगी दिल्ली को? बताओ, अभी जो पार्टी का निर्णय आया, आपको शायद पता चला भी हो, हमने अभी जो मन बनाया है कि जहाँ जहाँ राजनीतिक अवसर होंगे, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, संगठन होगी, लीडरशिप होगी, वहाँ पर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी पार्टिसिपेट करने का प्रयास करेगी और ग्रास रूट से ऊपर उठने की कोशिश करेगी, वो एक अभी तक की योजना है। इसके अलावा यही लालसा है, यही आकांक्षा है कि दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी ने जो इनिशिएटिव्स लिए, प्रो पीपल, जो प्रो पीपल गवर्नेंस का एक मॉडल सेट किया, जो एक लकीर लंबी करने की शुरुआत करी, उस तरह की शुरुआत पूरे देश में हो, ये हमारी कामना है। आम आदमी पार्टी की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ये भी है कि आपके पास सिर्फ एक ही चेहरा है और वो है अरविंद केजरीवाल का। अगर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी में नहीं है तो उसके अलावा पार्टी माइनस या जीरो में दिखती है, ऐसा क्यों? देखिए, ये बड़ा नेचुरल फिनोमिनन है लीडरशिप का, इसको हमको समझना पड़ेगा। ट्रेन में दो इंजन लगाइए, एक लेफ्ट को पुल करे, एक राइट को पुल करे, तो ट्रेन कहीं पहुंचेगी? एक इंजन पुल करता है, और या दो इंजन भी है तो सभी एक डायरेक्शन में पुल करते हैं, दिल्ली के अंदर भी है, एक इंजन, दो इंजन, पाँच इंजन, छः इंजन, सब जो लीडरशिप के लोग हैं सब इंजन है, और सब अरविंद केजरीवाल जी के पीछे खड़े हैं और पूरी ताकत लगा के इस ट्रेन को, जो डेवलपमेंट की ट्रेन है, काम की सियासत की ट्रेन है, इसको एक दिशा में लेके जा रहे हैं, और पब्लिक उससे खुश है। ये जो कहा जाता है कि एक चेहरा नहीं, दो चेहरा नहीं, हकीकत यह है कि नेतृत्व तो एक आदमी का होता है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व को पूरी दिल्ली की जनता ने स्वीकार किया, हमने हर चुनाव उनके लीडरशिप में, उनके दिशा निर्देशन में लड़ा, और आज जहां हम खड़े हैं, दिल्ली की जनता की सेवा करने का दम भर रहे हैं, वो उन्हीं के लीडरशिप का कमाल है। तो वो आस्था अडिग है, वो आस्था अक्षुण है, और आगे भी जब दिल्ली की जनता आशीर्वाद दे रही तो हम और आप कौन होते हैं टोकने वाले, मीन में निकालने। अरविंद केजरीवाल की जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है उसके बारे में भी लोग बहुत आलोचना करते हैं कि बहुत सेंट्रलाइज्ड है, अरविंद केजरीवाल बहुत अथॉरिटेरियन है, और इस तरीके के आरोप उन पे बहुत लगते आए हैं। जैसा भी है, हम दिल्ली वालों को बहुत पसंद है, आप देखिएगा कल 100,000 लोग रामलीला मैदान पहुंचेंगे और कितना प्यार चाहिए, बहुत प्यार मिलता है लोग। अच्छा, मुझे लेकिन ये बताइए कि
बहुत सारे लोग मैं जिनसे मेरी भी बात हुई, और विपक्षी पार्टीज़ का ये भी कहना है कि ये पार्टी सिर्फ जीती है क्योंकि इनका प्रचार बहुत स्ट्रांग है। तो अब प्रचार अगर इतना स्ट्रांग प्रचार है तो अब आगे प्रचार की राजनीति क्या है? ये बताइए कि कोई नॉन थीफ है और वो कहे कि सदा सच बोलना चाहिए, कोई उसकी बात पर भरोसा करेगा? नहीं। हमने जो बातें कही, जो मैसेजेस दिए, वो इसलिए इस्टेब्लिश हुए, लोगों को रिजोनेट किया क्योंकि मैसेंजर की क्रेडिबिलिटी थी, लोगों को भरोसा था कि अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप कभी उस लीडरशिप ने कभी हमें फेल नहीं किया, कभी हमें डिसअपॉइंट नहीं किया, निराश नहीं किया, डिलीवर किया। डिलीवर करने वाली इकलौती सरकार है दिल्ली की, तो उसकी वजह से क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हुई। अब सोच के देखिए आप कि अमित शाह जी मंच पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि भाइयों बहनों दिल्ली के सारे स्कूल खराब हैं। अब दिल्ली के अब उनके जो सामने जो उनके चंगू मंगू खड़े हैं, सारे समर्थक खड़े हैं, हाँ जी खराब है खराब है, वहाँ तो खराब खराब बोल रहे हैं, लेकिन इसी दिल्ली के अंदर 15 लाख घरों के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं, वो टीवी देख रहे हैं और वो टीवी देख के कह रहे हैं अरे ये तो झूठ बोल रहा है, हमारा स्कूल तो अच्छा हो गया है। तो वहाँ पर उनकी क्रेडिबिलिटी हो गई जीरो। खाली मैसेज नहीं, मैसेंजर की क्रेडिबिलिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। खाली प्रचार तंत्र पैसा खर्चा करने से चुनाव नहीं होता है। तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी जो है इस्टेब्लिश है, और बीजेपी ने जो निगेटिव कैंपेन चलाया उससे उनकी क्रेडिबिलिटी जो है एकदम जीरो हो गई, और जनता ने अपने जनादेश से बता दिया कि हमें आपकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं। एक सवाल जो अपोजिशन यूनिटी से पूछूंगी मैं कि जब भी चाहे वो राजस्थान की सरकार जब बनी हो, छत्तीसगढ़ में सरकार बनी थी, सारे अपोजिशन लीडर्स स्टेज पर देखे थे स्वेरिंग इन सेरेमनी के टाइम, लेकिन क्या कारण है कि दिल्ली में जब स्वेरिंग इन अरविंद केजरीवाल की हो रही है तो किसी भी बाहर के नेता को इन्वाइट नहीं किया गया, खासकर विपक्षी नेताओं? इस बार इस स्वेरिंग इन को दिल्ली वालों का जश्न बनाया गया है, दिल्ली वालों का जश्न बनाया गया, तो इसमें दिल्ली के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया, दिल्ली के बीजेपी के कांग्रेस के जो भी सांसद हैं उनको बुलाया गया, आम आदमी पार्टी के बाकी जितने भी अपोजिशन पार्टी के काउंसलर हैं, बीएसपी के काउंसलर्स हैं, बीएसपी के बाद बीजेपी के कांग्रेस के काउंसलर्स हैं, जो दिल्ली वाले हैं, ये जो शपथ ग्रहण है वो उनके उम्मीदों का उत्सव है, उनकी आकांक्षाओं का उत्सव है, और इसलिए इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह को दिल्ली तक सीमित रखा गया है। आप देखिएगा कल पूरी दिल्ली वहाँ पे रामलीला मैदान में नहीं, इंडीड पूरी दिल्ली तो होगी, लेकिन विपक्षी दलों में ये भी बातें हो रही हैं कि एक वो प्लेटफॉर्म बन सकता था एक अपोजिशन यूनिटी दिखाने का, मे बी एक कोई नया फेडरल फ्रंट का जो कि मोदी जी को चैलेंज कर सकता, तो इस तरीके उनकी आकांक्षाओं की का ज्ञान नहीं है, लेकिन दिल्ली मैं खुद दिल्ली वालों की 2 लाख की पॉपुलेशन है तिमारपुर विधानसभा की, उनकी आकांक्षाओं को रिप्रेजेंट करता हूँ, और उनका कहना यह है कि भाई इस बार दिल्ली सेलिब्रेट हो, इस बार दिल्ली की भावनाएं सेलिब्रेट हो, इस बार दिल्ली का जनादेश सेलिब्रेट हो, रामलीला मैदान पे कल 10 बजे यही होने वाला है। लेकिन जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की विक्ट्री है वो एक तरीके से अब एक मॉडल विपक्षी दलों की राजनीति के लिए भी बन गया है, और जाहिर सी बात है कि जितने भी विपक्षी दल हैं वो अरविंद केजरीवाल को देखेंगे कि कांग्रेस तो जो काम नहीं कर पा रही थी सबको यूनाइट करने का, कम से कम केजरीवाल जी ही कर ले, तो क्या किसी एक नए फेडरल फ्रंट का जो कि मोदी जी को चैलेंज कर सके उस पर कोई अभी सोच विचार या कुछ शुरुआत इस पर हुई है? पूरे देश में जितनी भी सरकारें हैं अलग अलग पार्टियों की, उनको हमने एक चीज़ पर तो यूनाइट कर दिया है कि अब काम की बात करोगे, अगर मुद्दे की बात करोगे अगर, तो वोट मिलता है और चुनाव जीत सकते हो। इसकी शुरुआत हो गई कि अलग अलग राज्यों में भी लोग इस किस्म की जो आम आदमी पार्टी की ऑल्टरनेटिव टाइप की पॉलिटिक्स है इसको अडॉप्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। हमारे लिए भी इतना ही पर्याप्त है, हम मामूली से लोग हैं, दिल्ली की पार्टी है, दिल्ली वालों की सेवा कर ले यही बहुत है। देश में कल को क्या होगा क्या नहीं होगा ये देश जानेगा। आप कहते हैं कि आप बड़े मामूली हैं, आपकी पार्टी बहुत मामूली है, लेकिन जब जीत जिस दिन हुई थी अरविंद केजरीवाल की तो उनका कंपैरिजन नरेंद्र मोदी से किया जा रहा था, और ये भी कहा जा रहा था कि वो क्या प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं नहीं बन सकते। आप टीवी वाले लोग हैं, आप ही लोग कभी उठा नहीं, टेलीविजन वाले आप सोशल मीडिया उठा के देखिए जिस तरीके का। हम नहीं बोल रहे, हमारी पार्टी से कोई नेता नहीं बोल रहा होगा कि वो नरेंद्र मोदी के बराबर करें, ये सब आप लोग जो सोशल मीडिया है और मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कभी उठा देता है कभी उठा के पटक देता है। हम वाकई में बड़े सामान्य से लोग हैं, दाल रोटी खाने वाले लोग हैं, जनता के बीच उठने बैठने वाले लोग हैं, जनता इसी स्वभाव स्वाद और स्वरूप में हमें पसंद करती है, हम इसी रंग रूप राग और लय को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के मन में इस समय प्राइम मिनिस्टर रियल एम्बिशंस बिल्कुल नहीं है? कहाँ, ये कोई सवाल ही नहीं है, आई थिंक इट्स नॉट इवन ए क्वेश्चन। मतलब यहाँ मैंडेट मिला हुआ है कि अरविंद जी अपनी टीम के साथ आइए और जो कामों का वायदा आपने किया, जो गारंटी कार्ड में लिखा, उसको करके दिखाइए। आप कह रहे कि नहीं नहीं ये मत छोड़ो, ये छोड़ो और कुछ एम्बिशंस हैं, आर्टिफिशियल एम्बिशंस को पालो और आगे बढ़ो। बिल्कुल नहीं, दिल्ली की सेवा सबसे ऊपर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो satyahindi.com पर इतना ही, आप बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ और मुद्दों के साथ, कुछ खास एक्सपर्ट्स के साथ फिर से आऊँगी जल्दी। थैंक यू। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।